किसानों का दर्द बांटने वाली भाजपा सरकार के मुखिया ने भी खुले मंच से प्रभावित किसानों को रोजगार दिलाने की बात कह चुके हैं। बावजूद इसके किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भूमि अधिग्रहित किसानों ने अपनी मांग को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। शहडोल जिले में SCL सुहागपुर क्षेत्र अंतर्गत दाबिनी भूमिगत खदान द्वारा भूमि अधिग्रहण के 10 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को रोजगार मुहैया नहीं कराया है। दाबिनी यूजी कॉल माइंस द्वारा किसानों की 810 एकड़ भूमि का अधिग्रह किया है। अधिग्रहित भूमि के बदले कोल प्रबंधन को प्रति 2 एकड़ के हिसाब से 405 किसानों को जमीन देने के बदले रोजगार देना है, जिसके एवज में 140 किसानों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन की फाइल भी जमा कर दी है। हक की लड़ाई लड़ते लड़ते किसानों की पैरों की एड़ियां घिस गई, लेकिन जिम्मेदारों का जमीन अब तक नहीं जागा। इसके बाद शुक्रवार से सैकड़ों प्रयास के बाद थक चुके किसानों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है और सभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। हाँ, मैंने दिया है किसान भाइयों को, जैसे मजबूरी को समझते हुए 2012 में हमारी जमीन 2003 में हमारी ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया गया था। 2012 में हमको नौकरी उसके उपरांत 6 महीने में मिलना था, जो कि नहीं मिला है, और खान प्रबंधक के द्वारा प्रलोभन दिया गया है। इससे हम सब मजबूर होके मैंने आज अपने मंच के माध्यम से ये ऐलान किया है कि अगर 5 दिवस के अंदर अगर कोई पुख्ता हमको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, तो मैं इसी गेट दामिनी माइंस के गेट के सामने आत्मदाह करूँगा। ये मैं अपने जितने साथी भाई हैं उनके सामने भी बोल रही हूँ और मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ और प्रशासन से भी बोल रहा हूँ कि ऐसी नौबत न आए कि ये कोई बड़ी घटना हो, लेकिन बड़ी घटना के लिए हम तैयार हो गए हैं, अब चाहे इसका परिणाम जो भी हो। आज कोल माइंस के विरुद्ध थक कर ग्राम पंचायत खैरा के किसान दामिनी माइंस के सामने हड़ताल पर हैं। उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था 2 एकड़ के बदले नौकरी मुआवजा दे दिया गया, 3 साल से लगातार हीला हवाली की जा रही है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग बैठे हैं। कोल प्रबंधन जो वादा किया था वो निभाए, नौकरी दे, SDM साहब प्रशासन की अध्यक्षता में धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। किसानों को रोजगार नहीं मिला तो ये आंदोलन और उग्र होगा, आने वाले समय में गेट जाम किया जाएगा, रास्ता बंद किया जाएगा। अगर किसानों को रोजगार नहीं मिलता है तो कोल माइंस नहीं चलने दी जाएगी, न दामनी और न खैरा। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।